सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम खेलने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड गेम पाल वर्ल्ड। तो भाई पाल वर्ल्ड आपको पुराने टाइम के पोकेमॉन की याद दिलाने वाला है, जिसमें ऐश होता था पोकेमॉन ट्रेनर, और यहाँ पर आप बनने वाले हो पोकेमॉन ट्रेनर, लेकिन एक तरीके से ट्रेनर नहीं, यहाँ पर आप हंटर बनने वाले हो, जो कि गलती से टापू पर आ गए और आप यहाँ पर हंटिंग करने वाले हो। तो भाई सामने की तरफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपका जो बॉडी टाइप है वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी आपकी कितनी लीन होनी चाहिए, कितनी हैवी होनी चाहिए, वो सब कुछ उसमें आप वुमेन बॉडी, मेल बॉडी, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। इवन कस्टमाइजेशन आपको यहाँ तक अलाउ करता है कि आप फेस भी चेंज कर लोगे, फेस का लुक कैसा होने वाला है, ओवरऑल उस पर बियर्ड कैसी होने वाली है, आपकी आइज़ कैसे होने वाली हैं, वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो इस सेटअप के अंदर। तो कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आइज़ में आप डरावना भी बना सकते हो, इसे क्यूट भी बना सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टोरी बिल्डिंग आइडियाज़ कि भाई आपकी फेरी टेल स्टोरी कहाँ तक जाती है। बाय द वे, ये गेम अगर आप लोगों को पता है ना, तो स्टीम पर ये अप्रॉक्स 600 रुपीज़ का है। एंड आज चलो एक गिव अवे रख देते हैं, मैं इस गेम का गिव अवे रख देता हूँ। इस गेम की पूरी एक फाइल है मेरे पास, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फेसबुक लिंक पर आकर मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, उसे मैं ये गेम पूरा का पूरा फ्री में दे दूंगा, कोई चार्जेस नहीं है और 100% वर्किंग गेम आपके सामने खेल रहा हूँ। मैंने खुद ये गेम खरीदा नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी वॉइस भी सेट कर सकते हो, और इसके बाद जो हम लोग सेटअप करने वाले हैं वो है अगला सेटअप। लाइक पूरा गेम आपको किस तरीके से मिलेगा उसके पूरे स्टेप मैं इस वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। वीडियो पूरा देखना मस्ट है, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो भाई ये गेम आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। सो भाई अब हमारा जो बंदा है वो इस टापू पर पहुँच गया है, पूरा बॉडी टाइप वगैरह सेटअप इसका हमने कर दिया था। पोकेमॉन से घिरा होता है, जैसे ही उठा है ना तो पोकेमॉन डर गए, भाई ये क्या आ गया है, क्योंकि ऐसा कुछ इनके टापू पर होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। कुछ लोग हैं जो गुलेबर्ट कैंप पहुंच गए थे, भाई इसको मिलता है एक टैब, आईपैड बोल सकते हो पुराने ज़माने का। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, इसमें लाइक द ट्री होल्ड द ट्रुथ एंड द टावर्स इज द की। तो टावर्स और ट्री बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं, क्योंकि आपको वुड ट्री से मिलने वाला है और टावर से आप बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हो किसी भी दूसरी लोकेशन तक। तो भाई कुछ ऐसा होने वाला है ये वर्ल्ड आपके लिए, भाई चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा इसका एनवायरनमेंट है। लाइक आपको ऐसा लगेगा किसी पुराने टूटे हुए किले में आ गए हो, और यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, सिर्फ पोकेमॉन्स ही पोकेमॉन्स घूम रहे हैं। यार ये है तो यहाँ पर पाल, हम इसको पोकेमॉन ही बोलेंगे बिकॉज हमने स्टार्टिंग से पोकेमॉन ही खेला हुआ है, ठीक है। और जो इसकी पोकेमॉन बॉल है जिससे पोकेमॉन पकड़ते हैं, उसका नाम यहाँ पर पाल सफायर है। तो बीच बीच में कन्फ्यूज मत होना, अगर मैं बोलूँ तो पाल सफायर वो बॉल है जिससे पोकेमॉन पकड़ा जाता है। भाई अभी सेकंड चीज़ हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करनी है, हमें सेटअप करना है हमारा वर्क बेंच। तो वर्क बेंच के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, इंग्रेडिएंट जैसे कि मान लो आपको कुछ वुड चाहिए होती है, एक लेवल की वुड, कि भाई 7 या 8 पीस आपको वुड के चाहिए। अब यहाँ पर जाओगे तो आपको वुड चाहिए 2 पीस, मेरे पास 32 पीस। तो 32 पीस के साथ मैंने इसको यहाँ पर सेटअप कर लेना है। भाई ये हमारा सेटअप हो गया है। इसमें आपके दो ऑप्शन है, या तो आप खुद जाके मेहनत कर लो हाथ से, या फिर जो आपने पोकेमॉन पकड़ा होता है, अगर आपने पकड़ लिया है सच में, तो इस पोकेमॉन को बोल सकते हो आप काम करने के लिए आपके लिए। तो मैंने पोकेमॉन अपना लगा दिया है, मैंने ये एक शीप ली है, बहुत ही क्यूट है, और सबसे पहले काम करके ना ऐसा क्यूट रिएक्शन देती है, ठीक है। हाँ हो गया, जैसे वो बोल रही है मालिक हो गया काम, तो मैं जाके बोलता हूँ भाई रेस्ट कर ले थोड़ी देर। तो उसके बाद ये हमारा वर्क बेंच, और भाई ऐसे कोई भी आपको पत्थर मिलेंगे ना जो चमक रहे हैं, तो ये प्रीशियस मेटल होते हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैंने सोचा पोकेमॉन को उसको भी लगा देता हूँ तोड़ने के लिए, बट ये वाला पोकेमॉन जो है ये हर टाइप के काम नहीं करता है। देखो दूर भग गया सीधा, इसको जैसे बाहर निकालोगे ये कूदता फंदता रहता है, उसको अंदर ही रखूँगा मैं। इसको पेड़ की तरफ मैं कर रहा हूँ, तो भाई पेड़ की तरफ भी कुछ इसका रिएक्शन नहीं है, तो वो भी नहीं करता है। तीसरी चीज़ भाई, आपको ना जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जैसे वुड हो या स्टोन हो, जितने भी कलेक्टेबल आइटम मिलेंगे, जैसे स्टोन है इसको कलेक्ट कर लो आप एक्सप्रेस करके, जितने भी ऐसे ये पत्थर देखो आप, ये अलग से चमक मार रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा मेटल या ऐसा लाइक चीज़ निकलने वाला है जो हमारी आगे जाके हेल्प करने वाला है। तो आप इसमें आया तो हाथ से हाथ पुड़वा लो अपने, या फिर कोई आप अपनी ऐसी वेपन बना लो वर्क बेंच पे जिससे आप इसको तोड़ पाओ। तो कुछ टाइम के बाद जब आप इसे लाइक हिट करते रहते हो, उसके बाद आपको देखो लास्ट लेफ्ट साइड में ORE लाइक इंटू वन, आपको एक ORE मिल गया है। ORE एक तरीके से आप गोल्ड बोल सकते हो, यहाँ पे वुड भी है और यहाँ पर बेरीज भी हैं। एक चीज़ ऐसा भाई, बंदा ये इंसान है और पोकेमॉन जो है वो भी एक जीव ही है, तो इनको भूख लगती है। अगर इनको भूख लगती है तो इनके पास खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो बेरीज अगर मैं इकट्ठा करूँ तो बेरीज से हो जाएगा उनका पेट पूजा। फिर स्टोन इकट्ठा करिए, भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिला एक पाल सफायर, ये इस गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इसी से आप पोकेमॉन पकड़ सकते हो। भाई मुझे लगा कि पोकेमॉन पकड़ने के लिए मुझे इसे मारना पड़ेगा, तो मैंने पाल सफायर जेब में रखा और मारना स्टार्ट कर दिया, तो इतने में ये मर गया। तो इसके मरने से हमें ये मिला तो नहीं, लेकिन हमारा लेवल अप हो गया, उसकी पावर हमें मिल गई है, पर इससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि तो आपको याद रखना है कि किसी भी पोकेमॉन से भिड़ना नहीं है, आपने उस पाल सफायर लेना है और थ्रो करना है उस पोकेमॉन की तरफ जो आपको चाहिए। अगर वो पोकेमॉन उस लेवल का होगा तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा 29% चांसेस कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके 26 है, मैं 29 वाले को फेंक देता हूँ।
भाई अभी वो पोकेमॉन के बॉल के अंदर चला गया, अब उसकी मर्जी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। ग्रीन हो गया मतलब आपका पोकेमॉन बन गया है, ये बंदा अब आपके साथ रहेगा और आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही कर लिया था और मैंने मतलब बाकी कामों में लगा दिया था। तो आप इस तरीके से पोकेमॉन पकड़ सकते हो भाई, आप खुद जंप करोगे वो भी जंप करेगा। मैंने पास सफायर वेस्ट कर दिया यार एक, मुझे लगा यही है इसको दोबारा पकड़ लेता, पर ये तो मेरा ही है ना भाई, जैसे मैं जंप करूँगा वो भी जंप करता है। भाई ऐसे भी पत्थर मिलेंगे, आप उस पर तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर सकते हो, कि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत सारी वेपन्स बना कैसे सकते हो। जैसे हाथ में मैंने ले रखा है, इसको हरियाणा में तो मुसल बोलते हैं, वैसे इसको आप डंडा बोल सकते हो, बेसबॉल बैट बोल सकते हो, वेपन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई ये हमने बनाया कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमें वर्क बेंच पे जाना है, वहाँ से हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो तीसरा सेटअप है ना, पाल बॉक्स, इसे हमें अनलॉक करना होगा। और इसे अनलॉक करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कुछ कलेक्टिबल्स, जैसे कि हमें वुड चाहिए 11, और जो पाल सफायर है उसके लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पाल बॉक्स के लिए अभी हमें पलेडियम फ्रेगमेंट करके कुछ लाइक आइटम है वो चाहिए, उसके बाद हम लोग अपना पाल सफायर बना भी पाएंगे। और भाई ये लाइक पाल बॉक्स है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें एंटी कर सकते हैं, उसको भी अनलॉक कर पाएंगे। तो भाई पाल करके कुछ था, वो इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है। तो भाई अब मैं आ गया हूँ मेन एरिया पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अपना आप वर्क बेंच जैसे आपने सेटअप कर लिया, अभी आपको इस टाइप का जो मेटल ये मिलेगा ना, इसके अंदर वो मटेरियल मिलेगा भाई जिससे आप पाल सफायर जैसे कि पोकेमॉन बॉल है वो बना सकते हो। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बॉल को बनाने के लिए। और भाई ये याद रखना, जितनी ज़्यादा बॉल्स आपके पास होंगी, पोकेमॉन बॉल्स टू बी प्रिसाइज, उतने ज़्यादा पोकेमॉन को पकड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा मौके होंगे आपके पास। एक या दो ही लेके घूम रहे होंगे तो वो इंस्टेंट खत्म हो जाएंगे, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको भाग के वापस आना पड़ेगा डर के, ठीक है। तो आपके जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी पोकेमॉन बॉल्स, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। तो फिलहाल ये हमारा ऑलमोस्ट टूटने वाला है, इससे काफ़ी सारे पल सफायर हमें मिल गए हैं, पलेडियम फ्रेगमेंट बोलते हैं इसको, कि पल सफायर बनाने में हमारी हेल्प करेगा। भाई राइट साइड में आपका जो बंदे के जस्ट राइट साइड में एक दिख रहा है आपको पावर मीटर, अगर वो पूरा रेड हो गया तो काफ़ी देर बाद वो ठीक होता है, तो आपको पूरा रेड होने से पहले वो छोड़ देना है। भाई अब मैं जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में जाके मुझे पाल बॉक्स को अनलॉक कर लेना, क्योंकि पलेडियम जो आपका है फ्रेगमेंट वो आपके पास है। ये ऑन हो गया, अब मैं पाल सफायर को भी कर लेता हूँ ऑन, तभी मैं इसको बना पाऊँगा, अनलॉक करना है। और ये दोनों अनलॉक हो गए हैं। अब आपको एक और चीज़ करनी है, जो आपका सेटअप होगा ना, यहाँ पे आपने वर्क बेंच बनाया है अपना और बाकी सारी चीज़ें बनाई हैं, कोशिश करना आप सारी चीज़ें वहीं पे बनाओ, बिकॉज आपकी सारी चीज़ें एक जगह पे रहेंगी तो ही आप सारी चीज़ें एक साथ कर पाओगे। और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी लाइक हीट जनरेशन, बिकॉज आप हीट जनरेट नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने वाली, रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसके लिए आपको हीट जनरेशन भी चाहिए। तो अभी हमें जाना है पाल वाले ऑप्शन में, टेक्नोलॉजी वाले में, और भाई वहाँ से हमें अपना बेंच जनरेट करना है। हमारा पाल बॉक्स आ गया है और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अपना पाल सपोर्ट, पाल सेटअप। भाई ये ना थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा और रेडिएशन भी क्रिएट करता है, तो इसको थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा आधा ज़मीन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये अर्थ जनरेट करता है प्लस रेडिएशन को ज़मीन के अंदर रखता है। इसमें आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप खुद हाथ से काम कर लो उसको बनाने के लिए, या फिर अपना पोकेमॉन लगा दो। तो भाई हमने इसको सेटअप कर दिया, तो भाई अब मुझे अपना पोकेमॉन बस इस पर एडजस्ट करना है। चल भाई काम कर। भाई ये तो तालाब में चला गया यार, मैंने इसके आर पार फेंक दिया, इसको वापस बुलाना पड़ेगा। देख रहे हो वो वहाँ से घूम के आ रहा है यार, कितना क्यूट है, इधर से नहीं आ सकता तैर के। कोई नहीं, हमने दोबारा इसको छोड़ दिया। भाई इसकी स्पीड है ना बहुत सही है, पता है चीज़ें बनाने की, बड़ा अच्छे से बनाता है। इसके बाहर एक इनविजिबल वॉल रहेगी ताकि रेडिएशन बाहर ना आए, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप इस गेम को फ्री में पाने के लिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा, यहाँ पर मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, कोड है 1036। ये कोड जो भी मेरे फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करके और कोड शेयर करेगा, मैं उसको सीधा सीधा अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से ये गेम डाउनलोड हो जाएगा। और गेम डाउनलोड होने के बाद भाई बहुत इजीली प्ले हो जाएगा, कोई लैग कोई इशू नहीं है, आप मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर दोनों खेल सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। तो भाई अब हम लोग काम कर रहे हैं अपना पल्स अपर, मैंने बनाने के लिए पोकेमॉन अपने पोकेमॉन को बोल दिया था, इसका नाम है लैम्बल। इस लैम्बल को मैंने बोल दिया था पल्स अपर बनाने के लिए, भाई इसको मैंने वापस बुला दिया, पल्स अपर कर लिया कलेक्ट। भाई पल्स अपर लेकर अब हम जा सकते हैं किसी भी पोकेमॉन को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन भाई अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, और वो है कैंप फायर। कैंप फायर इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी है ना बाहर की तरफ अंधेरा हो रखा है। इसको मैं अनलॉक करने के लिए 10 वुड चाहिए। अभी ना बाहर थोड़ा सा रोशनी है, धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, और अंधेरा होने के बाद आप इतनी ज़्यादा सर्दी फील करोगे कि भाई आप धीरे धीरे आपकी पावर कम होती जाएगी, और एक टाइम के बाद आपकी हो जाएगी डेथ। उससे बचने के लिए आपको कैंप फायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंप फायर अगर आपके पास है तो भाई आप आराम से पूरी रात यहाँ पर काट सकते हो। तो भाई वुड हो गई मेरे पूरी तरह से इकट्ठा, और भाई मुझे अब कैंप फायर अनलॉक करना है। की आइटम में जाएंगे,
की आइटम्स में जाने के बाद पार्टी के अंदर टेक्नोलॉजी ऊपर, थर्ड वाले में टेक्नोलॉजी में जाके हम लोग करेंगे अपना कैंप फायर अनलॉक। अनलॉक करने के बाद यस इसको हम लोग कर लेंगे सेटअप बैक। तो वैसे हमारा कैंप फायर हो गया है अनलॉक और भाई इसको भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर करूँ या कहाँ पर करूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर करूँ पीछे जहाँ पे घास वगैरह ना हो। पोकेमॉन छोड़ दूँ क्या, पोकेमॉन छोड़ देता हूँ, इसको भी काम पे लगाऊंगा रुको, क्योंकि ये तो है तो ये भी कंस्ट्रक्शन है ना। हाँ तो ये तीसरा आ गया हमारा ऑप्शन, कैंप फायर है भाई हमारे पास तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भाई। ये जैसे हमारा बन जाएगा ना हम इसी बेस पर बहुत लंबे टाइम तक रह पाएंगे। तो ये आ गया हमारा कैंप फायर, डन। तो कैंप फायर को हम लोग यहाँ पीछे पत्थर की तरफ सेटअप करेंगे ताकि घास वगैरह में आग ना लगा दे, रात को पत्थर पे ही रहेगा। और भाई अपने पोकेमॉन को लगा देते हैं इसके सेटअप पे, जाओ भाई काम करो। यहाँ मेरे से गलती पता क्या हुई, यहाँ पर मेरे को काम खुद करना चाहिए था क्योंकि ये है पूरा का पूरा कैंप फायर और भाई जैसे ये पूरा बन जाएगा ना तो मेरे लेम्बल के साथ थोड़ा सा बुरा हो सकता है क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इसके अंदर इतना सारा पेट्रोलियम है, ओए होए होए यार लेम्बल खुश तो बहुत हुआ काम करके, तो मुझे बहुत बुरा लगा आग लग गई है भाई। ये अभी भी आग ही लगी हुई है, ये डर रहा है यार, इसको जल रहा है भाई। इसको मैंने पानी में फेंक दिया है, पानी में फेंकते इसकी आग तो बुझ गई है भाई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो गाइस अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, मेरा अभी लेम्बल बहुत खुश है, बहुत क्यूट सा वाइब कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है कि भाई आपको कैसे ये गेम मिलने वाला है, तो उसी प्रोसेस से होते हुए आप मेरे फेसबुक पेज पर आ जाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वो कोड एंटर कर दीजिए जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया। आपको ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप खेल पाओगे और आप भी ऐसी स्टोरी क्रिएशन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों को ध्यान, आप सबको राम राम।